मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बेस्ट होंगे, की हेल्थ भी अच्छी होगी। ओके, सो आज हम लोग मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेंडर के बेसिस पे हुए शेप, सिलेंडर का शेप स्टडी किया था। व्हाट इज सिलेंडर? सिलेंडर के बेसिस पे हम लोग ने फॉर्मूलाज किए थे। सिलेंडर के दो फॉर्मूला आते हैं, उसके फॉर्मूला के बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और एक्सरसाइज कंप्लीट की। रेडी? आज का नया टॉपिक है कोन। आइसक्रीम कोन याद आ गया, बच्चे लोगों के मुंह में पानी आ गया। रेडी? कोन बाद में खा लेना, चलो यहाँ पे हम लोग कोन। कोन यानी जो आइसक्रीम कोन अभी मैंने बोला वही कोन होता है। कोन ऐसे शेप में होता है, रेडी, उल्टा। क्या जैसे कोन का एग्जाम्पल होता है जो जोकर की टोपी, जोकर की कैप। जैसे आप सब लोग जब सर्कस जाते हो तो जो जोकर जो कैप कैप पहनता है ना, वो कौन से शेप की होती है? कोन। दूसरा कोन आपको जानते हो, आइसक्रीम कोन। ओके, सो हम लोग कोन के शेप में कोन का आज हम लोग स्टडी करेंगे, कोन के बेसिस पर फॉर्मूला। ओके, और कोन के बेसिस पर हम लोग दो फॉर्मूला है और उसके बेसिस पे हम लोग एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो अपनी बुक पेन निकाल के चैप्टर बैठ जाओ। रेडी? सो आज के हमारे दो फॉर्मूलाज हैं कोन के, ये लिख लो। अब कोन क्या होता है? कोन बेसिकली एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने आइसक्रीम कोन होता है, आइसक्रीम कोन देखा होगा, वो कैसा होता है? उसका कोर सर्फ है, उसका सर्फेस होता है। तो कोन के ये तीन आपके डायमेंशन आती है। एक आर, आर तो हम लोग जानते हो रेडियस, जैसे सिलेंडर में रेडियस होता है वैसे यहाँ क्या होता है? रेडियस ऑफ द कोन। नेक्स्ट होती है हाइट। अब कोन की दो हाइट होती है, एक हाइट होती है स्लैंट हाइट और दूसरी हाइट होती है स्ट्रेट हाइट। स्लैंट हाइट और स्ट्रेट हाइट में डिफरेंस क्या है? देखो ये स्लैंट हाइट क्या होती है, अब कोन एग्जाम्पल करो आपके पास वो आइसक्रीम कोन है। खाने देखने का विजुलाइज नहीं करेगा, क्या सर मजा ये वेनिला कोन, बटरस्कॉच कोन, वैसे कोन को विजुलाइज नहीं करने का, जस्ट एग्जाम्पल कोन। अब कोन का जो स्लैंट हाइट, कोन की एक जो ऐसी टेढ़ी हाइट होगी वो स्लैंट हाइट होती है, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ओके, किससे? एल से डिनोट। दूसरी हाइट होती है स्ट्रेट हाइट, जो वर्टिकल हाइट होती है, जो कोन के सेंटर से कोन इस पे अपेक्स, कोन की जो पॉइंट होता है ना उसको हम लोग अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। अपेक्स यानी ये अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। रेडी? सो जो स्ट्रेट हाइट होती है और स्लैंट हाइट होती है। रेडी? ओके, कोन की दो हाइट होती है, स्लैंट हाइट और स्ट्रेट हाइट। स्लैंट हाइट टेढ़ी होती है और स्ट्रेट हाइट स्ट्रेट होती है। ओके, और इसके और रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट एंड स्ट्रेट हाइट दूसरा क्या है? एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ये सब ये भी एल यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम। तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल का रूट क्या हो गया? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कोन पे हमारे तीन फॉर्मूला है जो मोस्टली हमारे एग्जाम्पल में यूज होने वाली है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। चलो वंस अगेन मेरे साथ बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? पाई आर एल। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस। कर्व सरफेस एरिया यानी तो हमारा फॉर्मूला पाई आर एल और बेस। सर्कल का बेस होता है, सॉरी कोन का बेस होता है वो सर्कल की शेप में होता है। ओके, कोन का जो बेस होता है ना, जो ऊपर कैप होती है वो सर्कल के शेप में होती है, और एरिया ऑफ द सर्कल आप सबको मालूम है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन भी मिल गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। थर्ड फॉर्मूला है रिलेशन स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करते हैं, ये ना फॉर्मूला कोई सोचने का नहीं, सीधा फॉर्मूला लगा देने का, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूला है हमारी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर,
एल इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके फॉर्मूला लिख डालो। चलो हो गया। चलो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फोर्थ क्या है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हूज लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, एग्जाम्पल फोर फाइंड क्या करना है हमको? स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। हाँ, अब तो लास्ट में मैंने भूल गया कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, फिर से मैं इस बार समझा देता हूँ। ये हमारा कोन था, रेडी, ये इसका एपेक्स पॉइंट है, ये इसकी स्लैंट हाइट है, रेडी, ये इसकी स्ट्रेट हाइट और ये एरिया, ये इसकी स्ट्रेट हाइट हुई एच और ये क्या हुआ रेडियस। देखो ये स्ट्रेट हाइट और रेडियस 90 डिग्री पर, स्ट्रेट हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 9 डिग्री का। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कोन इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। राइट यानी वो राइट, ये राइट हैंड नहीं, राइट यानी उस बेस यानी हाइट और रेडियस के बीच में एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। ओके, चलो अब एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल तो कि मैं फाइंड क्या करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। रेडी, इफ द स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट किस एरिया होती है एल, एल हमारी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस, बेस रेडियस कितना है हमारा, बेस रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्या फाइंड करना है हमको? कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन कौन यानी कर्व सरफेस एरिया क्या है फॉर्मूला? पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है रेडियस ऑफ कोन 7, रेडियस यानी आर दिया हुआ है 7 और स्लैंट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। 7 × 7 = 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ उसका? कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडी, हो गया? चलो वीडियो पॉज करके लिख डालो। चलो हो गया। चलो अब एग्जांपल नंबर फिफ्थ। एग्जाम्पल नंबर हमको क्या फाइंड करना है? एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ क्या है? एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड द बेस, चलो पढ़ो एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ क्या है। ओके, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है? द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। देखो हमको हाइट भी दी है, ये स्ट्रेट हाइट दी है और बेस रेडियस भी दिया है 12 सेंटीमीटर। रेडी, हमको क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो हमको स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, देन स्लैंट हाइट के बेसिस पे हम लोग को दो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। चलो डेटा लिखते हैं, हाइट कितनी हाइट है 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस, इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। रेडी, पाई की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी है 3.14। ओके, सो हमको स्लैंट हाइट नहीं है हमारे पास, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? नाउ एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओके, 16 का स्क्वायर 196 और 12 का स्क्वायर 144। रेडी, ये जीरो, ओके, 6 × 4 = 10, 9 × 4 = 30, 30 कितना आंसर?
लेंथ कैसी होती है, सीधी होती है। रेडी,
तो ये हमको स्लैंट हाइट दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो पहले स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। चलो स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर यानी 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। हो गया, 2.1 का स्क्वायर कितना होता है 21, 21 4.41 प्लस 400, रेडी, यानी कितना 404.41। अब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 20.11, यानी हमको एल मिल गया 20.11। अब आगे एक फिर से लाइन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना है कि इफ ईच 1 सेंटीमीटर सरफेस और कैरीज 4 ग्रेन्स। अब ग्रेन्स होते हैं ना मक्का के जो येलो येलो पीसेस होते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 4 ग्रेन पीस एक्वायर है, मतलब 4 ग्रेन पीस आएंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमको यहाँ पे जो मक्का जो ग्रेन है वो उसके क्रॉस सरफेस में होगा, नीचे नहीं होगा। आपने मकाई खाई होगी आपने नहीं, तो मकाई ऑलरेडी खाई होगी, तो मकाई के जो क्रॉस सरफेस एरिया में ही ग्रेन्स होते हैं, नॉट इन द बॉटम। तो हमको पहले यहाँ पे क्रॉस सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। नाउ समझ में आ गया ना? हाँ, क्योंकि देखो सीधी बात है, लॉजिक ही है, जो मकाई की जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसको ग्रेन कहते हैं, बेस के ग्रेन्स होते हैं ना, वो सरफेस पे ही होंगे, कॉर सरफेस पे ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमको कॉर सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला यूज करना है। कॉर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स द आर एल, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर 2.1 21/10 और एल है 20.11, 7 1 7 3, रेडी 22 × 366, 2011 + 66 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 0 1 2 0 6 6 0 2 1 6 2 7 2 3 1 1 3 7 2 6 1 3 2 7 2 6। अब डेसिमल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, यानी 2 डेसिमल यहाँ पे आएगा, 1 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में भी 10 है, तो एक और डिजिट शिफ्ट होकर कितना आएगा 15 आ गया, यानी 1 3 2.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये कुछ काम करिए अपनी कैलकुलेशन। हाँ ओके, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया 1 3 2.73, सॉरी हाँ राउंडिंग के बाद 3 आएगा। ओके, इतना एरिया आएगा। अब क्वेश्चन में फिर से लिख पड़ा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स आएंगे, कितने आएंगे 4 ग्रेन्स, therefore 1 सेंटीमीटर स्क्वायर acquires 4 ग्रेन पीसेस। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर acquires 4 ग्रेन पीसेस, तो कितना एरिया मिला है हमको 1 3 2.73 सेंटीमीटर स्क्वायर acquires how much, ready, acquires question mark कैसे करेंगे, सेकेंड इन्फर बाई फर्स्ट, 4 × इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाई फर्स्ट, यानी 4 × 1 3 2.73। ओके, मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आएगा, चलो मल्टीप्लीकेशन तो करो अपने आपसे, फिर मैं करता हूं। यानी कितना आएगा 4 3 देखो ये हो गया 12 कैरी 1 और
ऑप्शन आंसर 21, 29 कैरी 2, 4 2 11 10 कैरी 1, 4 2 11 13 कैरी 1, 4.5 कितने पीसेस आएंगे अभी पे 4 3 0.92 पीसेस आएंगे। अब देखो लॉजिक आए यहाँ पे, ये पॉइंट मैन क्योंकि ये पॉइंट मैन से नहीं आना चाहिए क्योंकि जो कॉर्न का पीस होता है वो सिंगल पीस होता है। कभी आपने 0.25 देखा है कॉर्न का पीसेस, कौन का जो सिंगल पीस होता है और पॉइंट 20 पॉइंट में नहीं होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन हमको लेना पड़ेगा कितना होगा 531। सो 531 पीसेस होंगे, कितने 531 पीसेस होंगे, रेडी ओके। चलो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से एग्जांपल लिख जा रहा हूं। हो गया, चलो अच्छी बात है। अब एग्जाम्पल सॉरी अब होगी एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 13.3 चलो एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ो। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लैंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कॉर्न सरफेस एरिया। सिंपल, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ कोन डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 10.5 कोन 2 सेंटीमीटर, रेडी। और स्लाइट हाइट भी दी हुई है, स्लाइट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडी। और पाई की वैल्यू हमको दिया हुआ है 22/7। देखो पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, पाई की वैल्यू अगर डिफाइन नहीं होगी तो हमको 22/7 ही लेना होगा, बाकी डिफाइन होगी पाई की वैल्यू 3.14, रेडी बेटा लिख लिया। चलो अब हमको क्या फाइंड करना है, कॉर्न सरफेस एरिया CUR, कॉर्न सरफेस एरिया क्या हमको मिला है पाई आर एल, पाई यानी 22/7, आर कितना है 10.5/2 और एल, एल हमारी है 10 सेंटीमीटर, रेडी हो गया, हो गया ना। ओके सो फिर से लिख दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग में वो दिखाई नहीं रहा। अब कैसा होगा देखो, ये 7 की टेबल में कट होगा 7 1 7 1 7 3.5 ओके 2 1 2 11 ये कितना आता है 15 × 10 11 इंटू 15 1.5 15 हो गया 1 कितना होगा 15 × 11 165 कितना होगा 165 ओके। सो फर्स्ट आंसर आ गया तुम्हारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। चलो लिख जाओ वीडियो रिकॉर्ड करके सॉरी पॉज करके। हो गया बच्चे लोग, चलो नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इन द स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर इन एल, एल की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, एल इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस, द डायमीटर ऑफ द बेस इज गिवन बी इज 24 सेंटीमीटर यानी रेडियस कितना होगा 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर ओके। नाउ फाइंड क्या करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ
कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या है? फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर इंटू एल प्लस आर। गॉट इट? चलो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। पाई की वैल्यू होगी 22/7। पाई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, 22/7। रेडियस कितना होगा हमारा? 12 इंटू एल, एल प्लस आर, 21/12। कितना होगा? 22/7 इंटू 12 इंटू 33। ओके, अब डेसिमल में रखते हुए डेसिमल में 24 and 22 and 264 3 is 4 3 7 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
सकते हो। और दूसरे दूसरे के और दूसरा क्या है कि आंसर्स पीछे जो आंसर दिया है वो डेसिमल में दिया है। ओके, तो हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 7 मतलब 7, 1 इन 7, 7 टू 14, ये 14, यानी कितना होगा 13, 14 माइनस 17, 13, 31, तो 7, 4, 7, 4, 28, 28, 32, तो 7, 4, 28, 1244.5 समथिंग जैसा आंसर आएगा, 1244.57, ये आपका वो है। जो आपको अच्छा लगे वो करना, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके लिख डालो। चलो लास्ट एग्जांपल थर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, गॉट इट। तो पहला क्या है हमारा काम, कर्व सरफेस एरिया हमको क्या है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल, और ये हमको दिया हुआ है 308 इज इक्वल्स टू पाई, 22/7 आर, फाइंड करना है एल कितना है 14 सेंटीमीटर, 7 × 7 = 14, 308 is equal to 22 into 2, 44 R. आपको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 308 के नीचे चला जाएगा, 308/44 ये 7 सर, रेडियस मिल गया आपको 7 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या फाइंड करना है आपको, हाँ वीडियो दिख रहा है अच्छी तरह से, अब क्या फाइंड करना है टोटल सर्विस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल का अंतर दिया हुआ ये कितना है 308 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द कोन कितना है 7 × 7, 7 × 1 = 7, यानी 308 प्लस 22 × 7 154, दोनों को प्लस करेंगे 12, 1 × 5, 1 × 0, 1 × 3, 5, 6, 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी रेडियस ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर, टोटल एरिया इज 402
टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके चलो वीडियो पॉज करके लिख डालो। चलो हो गया बच्चा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। ओके सो आज हमने आपको कोन के बारे में पढ़ा होगा। हाँ हाँ मालूम है आपको कोन खाने की इच्छा होगी। रेडी, आज हमने मैथ में कोन के बारे में पढ़ा। कोन के फॉर्मूला के बेसिस पे हमने कुछ 6 एग्जांपल सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। रेडी, एक्सरसाइज 13.3 के एग्जांपल नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।